मशरूम की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आप एक बार इस तरीके से मशरूम की रेसिपी बना के देखिए। मशरूम आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन जाता है। मैं हूँ प्रिया, मेरे चैनल प्रियस रेसिपी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार मशरूम दो प्याजों की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मार्केट में जो ऐसे बड़े वाले मशरूम मिलते हैं ना, मैंने उसी का यूज किया है और इसे मैंने पानी से अच्छे से धोकर ऐसे स्लाइस करके काट के रखा है। तो मशरूम को मैंने काट कर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसका जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन हो गया है, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसे बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे 2 बड़े ग्लास के करीब पानी लिया है। पानी के गर्म होते ही हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। दोनों चीज़ों को हम पानी के साथ अच्छे से मिला देंगे और पानी में उबाल आने तक हम वेट करेंगे। और जब पानी में ऐसे उबाल आ जाए तब हम ऐसे स्लाइस किया हुआ जो मशरूम है वो डाल देंगे। मशरूम को हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेना है, इससे जो मशरूम का एक्स्ट्रा गंदगी होता है वो भी निकल जाएगा और मशरूम जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मशरूम जो है वो अच्छे से पक चुका है। तब हम एक छलनी की मदद से जो मशरूम है उसे हम पानी से निकाल लेंगे। बहुत लोगों को मशरूम का जो स्मेल है वो पसंद नहीं आता है, तो आप जब भी मशरूम का कोई भी सब्ज़ी बनाएं तब आप मशरूम को ऐसे पानी में उबाल के फिर आप इसे यूज़ करें। इससे क्या होता है, मशरूम का जो रॉ स्मेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ये मैंने सारे मशरूम को पानी से निकाल दिया है, तो इसे हम साइड पर रख देंगे और अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे 3 बड़े चम्मच के करीबन तेल डाला है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और प्याज को मैंने 4 हिस्से में काट कर प्याज का जो लेयर्स होता है उसे मैंने अच्छे से निकाल दिया है। क्योंकि हम 2 प्याज बना रहे हैं इसलिए हमें 2 तरीके की प्याज चाहिए, एक बारीक कटा हुआ यानी कि फाइनली चॉप्ड जो प्याज होता है वो, और दूसरा ये डाइस किया हुआ प्याज जो मैंने पहले से इसका लेयर्स को अलग करके रखा है। प्याज को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका जो कच्चा स्मेल है वो खत्म ना हो जाए। और इसे भी हमें सेम तरीके से ऐसे छलनी की मदद से तेल से निकाल लेना है। प्याज को हम साइड पर रख देंगे, इसे हम लास्ट में यूज करेंगे। और फिर हम लेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 इलायची और 1 छोटी सी जायत्री का टुकड़ा। सारे खड़े मसालों को हम तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम तेल में तब तक भून लेंगे जब तक कि प्याज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए और प्याज का जो कलर है वो थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। प्याज का फ्राई होते ही हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी हम प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस प्रोसेस में आप गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाए तब हम इसमें 1 मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है जब तक कि मसालों से तेल ना निकल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर। सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और जब मसाले से ऐसे तेल निकल जाए तब हम इसमें 4 बड़े चम्मच के करीबन पानी डाल देंगे ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। और ये देखिए, ग्रेवी का जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। और इसी स्टेज पे हम इसमें मशरूम डाल देंगे जो हमने पहले से उबाल के रखा था। मशरूम को हम मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मशरूम को स्लाइस पीसेस में काटा है, आप चाहे तो आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 काजू लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने मगजदाना लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने ये पेस्ट पहले से बना के रखा था। पेस्ट बनाते हुए आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएं, तब जो पेस्ट है बिल्कुल ऐसे बनेगा। फिर हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गैस को आप लो फ्लेम पर रखें और सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। क्योंकि हमने काजू और मगजदाना डाला है इसलिए अगर हम इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे तब जो इसका जो एक फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। तो पानी मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए डाला है, तो आपको कितने ग्रेवी चाहिए आप उसके हिसाब से पानी डालें। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। तो नमक मैंने अब तक नहीं डाला था, आप जब नमक डालें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को हम सब्ज़ी के साथ अच्छे से मिला देंगे। फिर हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक कि सब्ज़ी से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी से तेल सेपरेट हो चुका है। और इसी स्टेज पे हम दूसरे वाले प्याज डाल देंगे जो कि हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था। प्याज को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है वो कितना थिक है। और लास्ट में हम इसके ऊपर से ऐसे थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। और ये हमारा सुपर टेस्टी मशरूम 2 प्याजा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम जाएंगे सर्विंग के प्रोसेस में। और ये आप इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है और दिखने में भी जितना सुंदर है खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है।
तो आप इसे रोटी पराठा या फिर नान के साथ खाएं, और घर पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें। कैसे बना है वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।